देखो बात कुछ ऐसी है, एक रानी थी एक राजा था। ये वो वाली कहानी नहीं जहाँ राजा रानी लड़ने चले जाते हैं। मुझे राजा का पता नहीं, रानी का नाम पता है। रानी का नाम था विक्टोरिया, एक इंसान को उसका याद है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जर। और कर्जर ने यादों में ये बना डाला, इतनी प्यारी सी चीज। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल। इसे 10 साल लगे थे बनने में और ये 1921 में कंप्लीट हुआ था। इसे ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके हैं बने हुए और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पूरी ब्रिटिश तरीके से बनी हुई है, मार्बल पे कार्व्ड, जो पूरी तरीके से तुम्हें देख के लगेगा कि हाँ हम आ चुके हैं ब्रिटिश यूरोप में। और ये पूरी तरह से ब्रिटिश कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये बिल्डिंग, उनके स्टैचूज को, उनके कार्विंग के स्टाइल को, वो जो मार्बल पे जो कलाकारियां करते थे और उनके सोच को। सो ये है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि पूरी तरीके से मार्बल से बनी हुई है। ये फुली मार्बल की वाइट बिल्डिंग है। इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें छोटा सा विक्टोरिया दिख जाएगा अंदर में। और ये है इसका हॉल, बहुत बड़ा है। ऊपर में पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सुंदर है जो कि। और इसका जो हॉल है उसके टॉप में जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आती है वो बहुत सुंदर लगती है। यहाँ बहुत सारे ओल्ड चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं, वॉर की थिंग्स, जैसे कि स्वॉर्ड्स हैं, उस समय के स्वॉर्ड्स, गन्स है वहाँ उस समय के, ये डबल बैरल, एंड ऊपर में अवार्ड दिखेंगे तुम्हें उस समय के। ये है सन ऑफ शॉटगन, इफ अगर तुमने GTA खेला होगा तुम्हें पता होगा। ये जो क्लोथ है इसमें जो है कार्विंग्स, ये गोल्ड से की गई है, ये भी एक गोल्ड से बना हुआ है इसका नीचे का हिस्सा। सो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है उस समय के ओल्ड कोलकाता की, कि हमारे उस समय में ओल्ड कोलकाता कैसा दिखता था एंड यहाँ लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर है, सामने से देखने पे लगेगा कि हाँ तुम ओल्ड कोलकाता में आ चुके हो, थोड़ा सा झलक दिखाता ही है। और अगर तुम रविंद्रनाथ के फैन हो तो बस भाई क्या कहने, एंड सत्यजीत रे। पर मैं तो बस दो ही आदमी के लिए गया था, रविंद्रनाथ एंड सत्यजीत रे। इनकी छोटी सी पोर्टफोलियो है, छोटा सा पिक्चर्स का एक ग्रुप लगा हुआ है जहाँ सबको ही दिख जाएंगे तुम्हें, कॉफ़ी हाउस एंड मदर टेरेसा, सत्यजीत रे खुद है वहाँ पर। स्टोरी के पीछे की स्टोरी है, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो विक्टोरिया चलते हैं। पर एक्चुअली क्या है कि जो तुमने फुटेजेस देखा होगा विक्टोरिया के अंदर वाला, वो मैंने मतलब वो फोटोज था, मैं वीडियो नहीं ले पाया। हालांकि मुझे पता नहीं अंदर वीडियो ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, पर एक्चुअली मेरे दिमाग में आया कि विक्टोरिया जाना है, पर वो मंडे को आया। तो कहानी ये होती है कि मैं मंडे को जाता हूँ और मंडे को विक्टोरिया के अंदर जाना क्लोज है अभी के लिए, पता नहीं पहले था कि नहीं था, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है, पर अभी क्लोज है। और मैं मंडे को गया तो मुझे अंदर घुसने नहीं मिला है। तो जो बाहर का शॉट्स है वो मैंने कैमरा से लिया है, बाकी चीज़ जो था वो मैंने पहले गूगल फोटोज में था, मैंने डाउनलोड करके डाल दिया। तो होपफुली तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला एक्सपीरियंस। और हाँ, मैं फ़ैन हूँ सत्यजीत रे का, मैं फ़ैन हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर का। और तुम लोग इसे टैगोर बोलते हो गए, बंगाल में मैंने आके पता चला मुझे कि उन्हें ठाकुर बोलते हैं। सो ठीक है, जिनकी जैसी सोच जिनकी जैसी मर्जी। चलो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बाकी देखते रहो। अभी और भी कंटेंट आने वाले, पता है लंबा लंबा देर में डालते हैं तो क्या करें भाई, दिमाग में आने में ही टाइम लग जाता है, क्या करें। चलो बाय बाय। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী।